दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम थ्रेट की जो सूची है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पैनिक की स्थिति है। अब सूची बढ़ते बढ़ते 10 की हो गई है। अब 10 स्कूलों के पास इस तरह के धमकी भरे ईमेल आने की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में 10 स्कूलों को ये धमकी मिल चुकी है। दिल्ली के द्वारका में 5 अलग अलग स्कूलों को इस तरह की ये धमकी मिली है। वसंत कुंज में 2 स्कूल, डीपीएस वसंत कुंज और टैगोर इंटरनेशनल वसंत कुंज में धमकी मिली है। नजफगढ़ के एक स्कूल में धमकी मिली है, पुष्प विहार के एक स्कूल में धमकी मिली है और मयूर विहार में भी एक स्कूल के अंदर ये बम होने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन लगातार फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन को फोन कर रहे हैं और एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है। ये सारी स्थिति तब बनी जब इन स्कूलों को बम की धमकी भरा एक ईमेल आया। ईमेल बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से आइडेंटिकल है, मेल में किसी भी तारीख का कोई जिक्र नहीं है, जिसके बाद प्रशासन ने सभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी अभिभावकों को अपने बच्चे वापस ले जाने के लिए कहा। स्कूलों को आपाधापी में खाली करवाया गया। मेरी सहयोगी इला काजमी इस वक्त मयूर विहार के स्कूल से बनी हुई हैं। इला, जमीन पर क्या गतिविधि चल रही है, क्या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी आया है? इला, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जिस स्कूल के सामने आप वहां हैं, वहां स्थिति क्या है, क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है? तो इला से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे सहयोगी अभय इस वक्त बने हुए हैं। अभय, धमकी का ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कितने स्कूलों को धमकी मिली है और पुलिस की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर क्या कहा जा रहा है? देखिए पवन, तकरीबन 10 से ज्यादा स्कूल जो है दिल्ली एनसीआर के, उन सभी को ये ईमेल पहुंचा है। हमारी अभी कुछ और पुलिस अफसरों से बात हुई है। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि ईमेल सेम भेजा गया है, अलग अलग स्कूलों को भेजा गया है, लेकिन ईमेल किसने भेजा है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, यानी कि कहाँ से बैठकर इस ईमेल को बनाया गया है और फॉरवर्ड किया गया है, इस आईपी एड्रेस को पता करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक नहीं पहचान हो पाई है कि ये कौन शख्स है जिसने इस ईमेल को भेजा है। जिस ईमेल आईडी से मेल भेजा गया है उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है, ना केवल लोकल पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट यानी कि आईएफएसओ भी एक टीम लगी हुई है जो पता लगा सके कि आखिरकार इस मेल का जो आईपी एड्रेस है, कहां से इस मेल को भेजा गया है, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं तो पवन, दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के जितने ये स्कूल हैं 10 से ज्यादा, इन सभी को एहतियात के तौर पर बंद भी किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये थ्रेट ईमेल्स मिले और ये स्कूल के जो कर्मचारी हैं जब उनके नोटिस में आए तो पुलिस को बुलाया गया, एसओपी फॉलो कराई जा रही है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, फायर डिपार्टमेंट, बॉम्ब स्क्वाड टीम, इन सब ने चेक कर लिया है। किसी भी स्कूल में पवन कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस का भी साफ तौर पर यह कहना है कि पहले भी ऐसे ईमेल्स मिले हैं जो कि डीपीएस आरके पुरम। बिल्कुल, अब इस वक्त आपको वो आवाज सुननी चाहिए जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। टीचर्स का क्या कहना है, टीचर्स ने कैसे इस सिचुएशन को मैनेज किया, वो आपको सुनवाते हैं। बेसिकली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 के आसपास एक कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को, स्कूल्स को, बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है और ये जो मेल है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी शुरू इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और इस पर सोर्स पर अभी हम काम कर रहे हैं।
और ये भी सर देखने में है कि BCC में स्कूल का मेंशन किया, यानी कि कई जगहों पे भेजा गया एक ही साथ। हाँ, अभी जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं, वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि किस तरह की उनको मेल आई हैं, और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई हैं इसमें, क्योंकि मेल है तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है, हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया है कि अगर एक प्रॉब्लम है? वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह के एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है? मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है। वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी पैनिक नहीं हो किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह के पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। एंड टीम सर बता दें कि 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन ये है, यानी पैनिक ना करें, परेशान ना हो, पुलिस अपना काम कर रही है। DCP रोहित मीणा क्या कह रहे हैं एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। बड़ी बात यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। श्री नारायण प्रताप सिंह जी, बेसिकली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास एक कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया, और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इन टू एक्शन, और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं, और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं, और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी शुरू इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है, और इस पर सोर्स पर अभी हम काम कर रहे हैं। और ये भी सर देखने में है कि BCC में स्कूल का मेंशन किया, यानी कि कई जगहों पर भेजा गया एक ही साथ। हाँ, अभी जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं, वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि किस तरह की उनको मेल आई हैं, और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई हैं इसमें, क्योंकि मेल है तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है, हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इन्फॉर्मेशन सीख करी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया है कि अगर एक प्रॉब्लम है? वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह के एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है? मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है। वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी पैनिक नहीं हो किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह के पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। एंड टीम्स आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस इज कमिटेड। एक बार फिर आपको खबर बता दें कि दिल्ली NCR के 10 स्कूलों को एक धमकी भरा मेल मिला, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस, फायर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया, स्कूलों को घर वापस भेजा गया। पुलिस कह रही है कि वो इस धमकी को गंभीरता से ले रही है, बम स्क्वाड के साथ सभी स्कूलों की तलाशी ली जा रही है, लेकिन साथ ही हिदायत के शब्द ये हैं कि किसी भी तरह के पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हर डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अपनी एक्शन में है, जांच कर रहा है, स्कूलों को सैनिटाइज कर रहा है, और बार बार कहा जा रहा है कि पेरेंट्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि द्वारका के 5 स्कूल, आरकेपुरम और वसंत विहार के एक एक स्कूल, द्वारका के अलावा यहां पश्चिमी दिल्ली के एक स्कूल और ग्रेटर नोएडा के कुछ स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल आया है।
ये ईमेल वीपीएन के जरिए आईपी एड्रेस को मॉर्फ करके भेजा गया और इस ईमेल का कंटेंट जो भेजा गया वो सभी स्कूलों में ये गया। हर मौके पर बॉम्ब स्क्वाड के अलावा फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और फायर टेंडर भी लगातार पहुंचे हैं। फायर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है आइए आपको सुनवाते हैं। हमें अपनी जांच में फिलहाल कुछ नहीं मिला है, वो ये मदर मेरी स्कूल की कहानी है उसकी तस्वीर है और मैं आपको एक बार फिर सर क्या कुछ बात है, आप लोगों ने जांच पड़ताल किया है वहाँ पर, पूरा स्कूल चेक हो गया है? ईमेल आया था सर। तो देखा आपने किस तरीके से फायर ब्रिगेड कह रही है कि हमें बम की इत्तला मिली थी जिसके बाद वो उसी तरह की तैयारी के साथ इन अलग अलग स्कूलों में पहुंचे हैं। स्कूलों के लिए बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को संभालना आसान नहीं था। डीपीएस की प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं, किस तरह से उनकी एसओपीज हैं और किस तरह से उन्होंने पैनिक को कंट्रोल किया। मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। मैम वो मेल कहाँ से आया था वो जानकारी मिली? नहीं वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। देखिए वो हम ज़्यादा तो नहीं बात कर सकते बट बाकी हम बच्चे हैं हमारे पास तो ज़्यादा थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस तो लेते हैं और ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। तो देखा आप टीचर्स कह रहे हैं कि बच्चे हमारे पास हैं, वो समझते हैं कि पेरेंट्स पैनिक कर सकते हैं, इसलिए सभी को बाकायदा संदेश दिया गया, स्कूल बसेस को दोबारा लाइनअप किया गया और बच्चों को घर भेजा गया। यानी दिल्ली एनसीआर के 10 स्कूलों के कई हजार पेरेंट्स सुबह आज परेशान रहे। पुलिस अभी एक्शन में है और मेरी सहयोगी इला काजमी अभी ग्राउंड जीरो पर मेरी स्कूल के सामने बनी हुई है। इला ग्राउंड पर अभी आप क्या देख पा रहे हैं और कब तक ये स्थिति अंडर कंट्रोल आ जाएगी? जी बिल्कुल पवन, मैं इस समय मौजूद हूँ मदर मेरी मयूर फेज वन में, मयूर विहार फेज वन में, और ये एक स्कूल है जिसको धमकी भरा मेल मिला था आज सुबह उन 10 स्कूलों में से। सामने देखिए तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता रही हूँ, दमकल की यहाँ पर गाड़ी पहुंची हुई है, एम्बुलेंस हमें नजर आ रही है, पुलिस बल की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और सुबह से ही अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक साथ 10 स्कूलों में ये मेल भेजा गया है और पुलिस अंदर जांच चल रही है। फिलहाल दमकल के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और वो जांच कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है। बच्चों को वक्त रहते ही यहाँ पे निकाल लिया गया है, लगातार जांच की जा रही है। सबकी निगाहें इस बात पर है कि भगवान करे ये सब ठीक हो, सब बच्चे सुरक्षित हो।